हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक्स एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू डीवी बाय डीटी। इसका यूनिट होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का आपका हो गया यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉर्मली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए डीए इक्वल्स टू जीरो है, चेंज इन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो आपका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, जिसके कारण आपका एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर डीए इक्वल्स टू जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी, इसे चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? तो रिटार्डेशन इसके सेम ऑपोजिट वैल्यू को रिटार्डेशन बोला जाता है। देखते हैं, रिटार्डेशन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। या भी इसका भी यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ इसमें डिफरेंस है कि जो एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू है उसको रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है, एम एल एल टी पर पावर माइनस टू। डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल्स टू एल टी पर पावर माइनस टू। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।